Prayers were performed for Rajendra Mahato, president of the Nepal Sadbhavana Party, who was injured in a clash with Nepal police during a protest near Biratnagar on the India-Nepal border on December 26. The agitation comes after Nepal's political leadership assured Madhesis of accepting their political demands. Factions of Madhesi agitators continue to remain sceptical about the promise and are continuing their agitation, demanding immediate changes in the constitution. सरकार जो है एक तरफ से वार्ता का नाटक कर रहा है और दूसरा तरफ हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जो मधेश का अभी प्रणेता है मधेश का घर घर में राजेंद्र महतो जी का नाम है ये शासक वर्ग ये चाहता है इसको मारने का षड्यंत्र था और बीच पुलिस ने उसको पकड़ के उसके बाद मारा गया उसको मारने का योजना था वो योजना बना के सरकार पठाया गया था पुलिस को जो उसको मार देने से मधेश आंदोलन खत्म होगा हम ये सरकार को चेतावनी देना चाहते हैं ये समस्या मधेश नेपाल के आधा जनसंख्या से ज़्यादा का समस्या है देश में 1.25 करोड़ मधेशियों का अस्तित्व का लड़ाई है और इस लड़ाई को राजेंद्र महतो जी ने सबसे आगे वो भूमिका निभाया है Madhesis have been protesting against Nepal's new constitution for more than 4 months, seeking fresh demarcation of federal boundaries and other rights. जो राष्ट्राध्यक्ष पर जिस हिसाब से इन लोगों ने जान मारने का जो योजना बना करके उन पर जान लेने ने हवला किया है इस पर हम लोग घोर आपत्ति जनाते हुए और ईंट का जवाब हम लोग पत्थर से देंगे संपूर्ण युवा विद्यार्थी मधेश का जाग चुका है और हम लोग मधेश में ऐसी आग एक लगाएंगे जो कि नेपाल सरकार का कोई खसबादी मानसिकता के जो लोग हैं उनका दुनिया का कोई ऐसा दमकल नहीं मिलेगा जो कि उस आग का बुता पाएगा More than 50 people have died and many more were injured in Terai area after protests against the new constitution began 4 months ago. There were reports that police have used excessive force to quell protests in many parts.